नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रेयर फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री लाला लाजपत राय जी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। जी हां, लाला लाजपत राय जी का जन्म 28 जनवरी 1865 को अपने ननिहाल के ग्राम ढूंडी के जिला फरीदकोट पंजाब में हुआ था। लाला जी 1888 के कांग्रेस के प्रयाग सम्मेलन में वे मात्र 23 वर्ष की आयु में शामिल हुए थे। 1888 में वह प्रथम बार कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में शामिल हुए, जिसकी अध्यक्षता मिस्टर जॉर्ज यूएल ने की थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी या पंजाब का शेर भी कहा जाता था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को सफल बनाने में लाला जी का ही हाथ था। वे हिसार नगर निगम के सदस्य चुने गए थे और फिर बाद में सचिव भी चुन लिए गए थे। लाला लाजपत राय जी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष थे। इनकी स्थापना 1920 में हुई थी। 1920 में लाला जी ने पंजाब में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसके कारण 1921 में इनको जेल भी हुई थी। इसके बाद लाला जी ने लोक सेवक संघ की स्थापना भी की थी। साल 1924 में लाला जी कांग्रेस के अंतर्गत ही बनी राज्य स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और केंद्रीय धारा सभा के सदस्य चुने गए। लाला लाजपत राय जी को वर्ष 1925 में हिंदू महासभा के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष भी बनाया गया था। 17 नवंबर 1928 को लाला जी ने आखिरी सांस ली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।